फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कोमा की वेनाइस एंड रेंजर ईवीज के बारे में, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो कोमा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्रांड है, उसने अपनी रेंजर मोटरसाइकिल्स एंड वेनाइस स्कूटर है उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। तो फ्रेंड, अगर बात की जाए प्राइसिंग के बारे में, तो फ्रेंड जो रेंजर मोटरसाइकिल है उसका प्राइस हमें 1.68 लाख रुपीज़ एक्सरू प्राइस, एंड वेनाइस स्कूटर है उसका प्राइस हमें 1.15 लाख रुपीज़ एक्सरू प्राइस देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी रेंजर मोटरसाइकिल के बारे में। तो फ्रेंड, जो रेंजर मोटरसाइकिल है वो हमें डीप ब्लू, गार्नेट रेड एंड जेट ब्लैक कलर्स में अवेलेबल देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, इस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर हमें क्रोम कंपोनेंट्स, एप हैंगर स्टाइल हैंडल बार, स्प्लिट सीट विद पाइलन बैक रेस्ट, टू स्टोरेज बॉक्स एंड एलोवील्स देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, अगर बात की जाए इक्विपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड इस बाइक के अंदर हमें ब्लूटूथ साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, एंटी थेफ्ट लॉक सिस्टम एंड साइड स्टैंड सेंसर जैसे फीचर्स जो है अवेलेबल देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें पेयर ऑफ ड्राफ्ट एग्जॉस्ट कैनिस्टर लाइक एलिमेंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें 4 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें 4 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, इसकी रेंज के बारे में बात की जाए, तो फ्रेंड सिंगल चार्ज में इसकी रेंज हमें 180 एंड 220 किलोमीटर जितनी देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड, अगर बात की जाए कोमा की वेनाइस स्कूटर के बारे में, तो फ्रेंड उसका लुक है वो हमें वेस्पा स्कूटर जैसा देखने को मिल सकता है। और फिर इसके अंदर हमें सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एंटी थेफ्ट लॉक सिस्टम, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड रिवर्स असिस्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में हमें फुली बॉडीगार्ड भी देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें फ्लाई स्क्रीन एंड एडिशनल स्टोरेज बॉक्स इन द बैक देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, ये जो वेनाइस स्कूटर है वो हमें 9 पेंट ऑप्शन में अवेलेबल देखने को मिलने वाला है। हालांकि फ्रेंड, ये जो पेंट ऑप्शंस है वो अभी रिवील नहीं किए गए हैं। और फिर अगर बात की जाए इसके बैटरी पैक के बारे में, तो फिर इसके अंदर हमें 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक एंड 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर हमें 4 BHP का पावर आउटपुट देखने को मिलने वाला है। और फिर इसकी रेंज या फिर इसके टॉर्क के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड, अगर इसके बारे में और भी कुछ न्यू डिटेल्स आती है, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।